कर दें। नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड यूनिट संख्या प्रथम में मौद्रिक नीति इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत मौद्रिक नीति का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का सारगर्भित अध्ययन किया था, जिसमें रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या क्या कारण रहे, रिजर्व बैंक की शाख नियमन नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी थी, रिजर्व बैंक की सफलता और असफलता के कौन कौन से कारण रहे, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की प्रगति उपलब्धियाँ उनका अपने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे कि मौद्रिक नीति क्या है। जैसा कि आपको नाम से है, मौद्रिक मुद्रा, मुद्रा पर किस प्रकार से नियमन नियंत्रण करना है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन को, मुद्रा संकुचन पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। तो नियमन नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो वो अपनी मौद्रिक नीति कहलाती है। कि मौद्रिक नीति मुद्रा का प्रसार और मुद्रा का संकुचन, मुद्रा का प्रसार से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि रिजर्व बैंक के द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन या अधिक मात्रा में मुद्रा को छापना, वो मुद्रा प्रसार है। और मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रा को कम मात्रा में प्रचलन में लाना, वो मुद्रा संकुचन है। क्योंकि न्यूनतम कोर्स पद्धति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए की अपने अगर पूरे भारत में नोट जारी करने होते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक न्यूनतम कोर्स पद्धति के आधार पर, न्यूनतम कोर्स पद्धति के आधार पे 115 करोड़ रुपए का तो सोना रखता है और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखता है। इसी के आधार पे नोट निर्गमन से संबंधी कार्य होते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अनावश्यक रूप से पूरे भारत देश में नोट हो जाएंगे। तो ये प्रणाली लागू की जाती है, जिसमें न्यूनतम कोष पद्धति भी इसे अपने कहते हैं, न्यूनतम कोष पद्धति नोट निर्गमन विधि के द्वारा। तो इसी प्रकार मौद्रिक नीति की भूमिका के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन को नियमन करने के लिए या उनकी समस्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक उचित मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है, ताकि मुद्रा की मात्रा की आवश्यकताओं के अनुरूप नियंत्रण या नियमित रखा जा सके। क्योंकि साख की मात्रा पर नियमन नियंत्रण केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये तो अपनी मौद्रिक नीति होगी। अब मौद्रिक नीति का हम अर्थ समझें सामान्य शब्दों में, कि मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति की सामान्य शब्दों में हम कहें कि मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी नीति से है जिसमें मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व, मुद्रा व साख की पूर्ति पर नियमित या नियंत्रण किया जाए, वो मौद्रिक नीति है। दूसरे शब्दों में हम कहें, किसी भी देश या सरकार या केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मूल्य, रोजगार, आर्थिक विकास के संचालन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार व संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मुद्रा पे नियमन एवं नियंत्रण करना वो मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न इसके मौद्रिक नीति से संबंधित दो प्रश्न पूछते हैं, कि मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इसकी क्या महत्ता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं और क्या उसकी महत्ता है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न करने से पहले सर्वप्रथम उसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे दोनों शब्दों में, एक तो सामान्य शब्दों में और दूसरा विशेष शब्दों में। उसके बाद में तीसरे पॉइंट में परिभाषा का अध्ययन करेंगे। परिभाषाएं विभिन्न विद्वान, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं होते हैं उनका उल्लेख करेंगे, जिसमें
दो चार विद्वान या दो तीन विद्वानों का अपन उल्लेख, जिसमें पहला है प्रोफेसर हैरी जॉनसन की मौद्रिक नीति। हैरी जॉनसन कहते हैं कि मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करते हैं। कहने का मतलब ये है मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन पे नियमन नियंत्रण। और भी विभिन्न अर्थशास्त्री कैंट भी ये कहते हैं कि मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन के विस्तार और संकुचन को व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार परिभाषाओं के निष्कर्ष की हम बात करें तो परिभाषाओं के निष्कर्ष में मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है, वो मौद्रिक नीति कहलाती है। अब हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, जैसे मैंने आपको बताया मौद्रिक नीति के उद्देश्य, इसमें मूल्य व कीमत में स्थायित्व संबंधी कार्य, मुद्रा प्रसार व संकुचन में उसको रोकने के लिए। तो पहला है कीमतों में स्थायित्व, दूसरा है विनिमय दरों में स्थायित्व, इन दोनों में हम बात करें कीमत में किसी भी वस्तु का मूल्य वो कीमत होता है, क्योंकि कीमत में स्थायित्व है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, एक्सचेंज रेट में भी स्थायित्व है मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के आधार पर भी नियमन नियंत्रण मतलब किया जा सकता है, आर्थिक विकास देश के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मुद्रा की तटस्थता में भी मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मुद्रा की तटस्थता मुद्रा की महत्ता को समझना और उसके विकास में क्रियान्वयन करना ये मौद्रिक नीति के मूलभूत उद्देश्यों की श्रेणी में आते हैं। और भी है आय में स्थिरता, आय में स्थिरता भी मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के रूप में है, क्योंकि आय में स्थिरता रहेगी तभी व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा, अपने जीवन यापन के लिए अपने मुद्रा के मूल्य को या फिर रुपये के मूल्य की महत्ता को वो समझेगा। बचत एवं विनियोग में समय सेविंग, बचत और विनियोग में समय भी स्थापित करने में मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आर्थिक स्थिरता में भी समझने के लिए एक विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य या आयाम होता है। और भी विकास के लिए कुशल भुगतान यंत्रों में भी मौद्रिक नीति की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्य होते हैं जो कि एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए या मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आगे मुद्रा की उपयोगिता और महत्व है इस प्रकार से हैं कि मुद्रा की क्या महत्ता है, क्या उसकी उपयोगिता है, उनका हम अध्ययन करेंगे मौद्रिक नीति की उपयोगिता या मौद्रिक नीति की हमें क्यों इम्पोर्टेंस क्यों आवश्यकता पड़ी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया कि मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, क्योंकि विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की उपयोगिता एवं महत्ता इस प्रकार से होती है, जिसमें प्रथम बिंदु है एक तो आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति की महत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इकोनॉमी के देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी मौद्रिक नीति की अहम भूमिका होती है, तो आर्थिक विकास भी एक मौद्रिक नीति के आयाम में मानते हैं। अगला है पूंजी निर्माण में भी मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं आयाम है। अगला है
मुद्रा की साख व पूर्ति में संतुलन, साख व पूर्ति में संतुलन, मुद्रा की साख व पूर्ति में भी संतुलन है, एक कीमत स्थायित्व में भी मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कीमत स्थायित्व है और विनिमय दरों में स्थायित्व है, विनिमय दरों में स्थायित्व भी मौद्रिक नीति में है, पूर्ण रोजगार में भी भुगतान संतुलन में एक भुगतान संतुलन। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति में हमने मुद्रा के उद्देश्य महत्व की भूमिका का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से महत्व है। थैंक यू वेरी मच।